माननीय अध्यक्ष जी, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मैं आज सदर में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, भंडारण और विज्ञापन प्रतिषेध अध्यादेश 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आदेश से देश के युवाओं की सहायता को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक आज सदन में आया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई सिगरेट के उत्पादन, के बिक्री, भंडारण और आयात निर्यात पर रोक लगाने का जो फैसला किया है, इसका उल्लंघन करने पर जो जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया है। पहली बार गुनाह करने पर 1 साल की सजा 1,00,000 रुपया जुर्माना और बार बार गुनाह करने पर 3 वर्ष की सजा और 5,00,000 का जुर्माना। लेकिन ई सिगरेट का उपयोग करने वाला आदमी के लिए या बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो उनके लिए भी ये प्रावधान होना चाहिए ताकि इस पे बैन हो सके। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाला एक ऐसा डिवाइस है जिनमें लिक्विड भरा रहता है। ये निकोटिन और दूसरे हानिकारक केमिकल का धोल होता है और जब कस खींचते तो हीटिंग डिवाइस को गर्म करके भाप बन के ये बहुत ही नुकसानकारक कैंसर को ये न्योता देता है। और इसके समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये ई सिगरेट का इजाद चीन की 2003 में चीनी फार्मासिस्ट हॉन लिक द्वारा ये इजाद किया गया था और इसके अगले ही साल में ये पूरा बाजार में फैल गया और इंडिया तक पहुंच गया। और साथ में ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि स्कूल या कॉलेज के नज़दीक जो स्टॉल होते हैं, जो चॉकलेट, बिस्किट या इत्यादि खाने की चीज़ों की दुकान में, इसके साथ भी गुटखा या सिगरेट का जो बिक्री होती है, तो इसके ऊपर भी रोक लगना चाहिए। तो आज इस बिल का समर्थन करते हुए मैं युवाओं के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने तंदुरुस्त भारत का निर्माण करने के लिए ये अहम कदम उठाया है, तो हम सब इस बिल का समर्थन करें और तंदुरुस्त भारत का निर्माण करने के लिए सब साथ में आगे। धन्यवाद।